सोने और चांदी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस हफ्ते भी सोने के दाम में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। आज के समय में 52,000 के पार सोना पहुंच गया है, यानी कि 10 ग्राम का सोना अब 52,435 का है। वही ग्लोबल मार्केट में सोना $1900 के पार पहुंच चुका है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। पिछले ट्रेडिंग सेशन में सोने का भाव 52,414 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। इसके अलावा चांदी भी 8 साल के टॉप पर पहुंच गई है और इसका भाव 67,560 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। एक्सपर्ट का मानना है कि सोने और चांदी में अभी तेजी बनी रहेगी और जल्द ही सोना 53,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 70,000 रुपए प्रति किलोग्राम का स्तर छू सकती है। एक्सपर्ट का कहना है कि अमेरिका चीन के बीच जारी तनाव में अमेरिका डॉलर कमजोर हो रहा है, इसलिए सोने की कीमतों में तेजी का रुख है। वहीं अमेरिकी बॉन्ड यील्ड ने भी तेज गिरावट आई है, जिसके चलते निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने चांदी की खरीदारी शुरू कर दी है। दिवाली तक सोना 55,000 रुपए पहुंच सकता है। एक सर्वे के मुताबिक 40% लोगों का कहना है कि दिवाली तक सोना 55,000 का स्तर छुएगा। वहीं 30% लोगों का कहना है कि दिवाली तक सोने में 53,000 से 54,000 तक का इजाफा होगा। 70% लोगों ने कहा कि दिवाली तक चांदी में 65,000 से 68,000 तक का स्तर मुमकिन है। वहीं 20% लोगों की राय रही कि दिवाली तक चांदी 70,000 का स्तर छू सकती है। सोने और चांदी किसमें निवेश करना बेहतर होगा? 90% लोगों ने कहा चांदी पर निवेश करना बेहतर है। वहीं 10% लोगों ने कहा सोने पर। अभी की खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे AFC टुडे न्यूज़।